नमस्कार, मेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे उड़ीसा प्रसिद्ध छन्ना मुड़की। आइए छन्ना मुड़की बनाना शुरू करते। छन्ना मुड़की के लिए ये सब सामग्री चाहिए। पहले हमको चाहिए दूध। मैंने लिया है 1.5 लीटर दूध, 200 ग्राम चीनी, 4-5 इलायची को कूट कर लिया। अब हम एक बर्तन में ये दूध डाल देंगे। मैंने गैस पर दूध रख दिया है, गैस ऑन कर दिया है, फ्लेम हाई रखा है। दूध उबलने तक हम इंतजार करें। ये देखिए दूध उबल चुका है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसको 1-2 मिनट ऐसे ठंडा होने देंगे। 1-2 मिनट हो चुका है। अब हम पनीर बनाएंगे। मैंने 3 चम्मच विनेगर लिया है। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप नींबू का जूस लेकर पनीर बना सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। ये पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इसमें। ये देखिए पनीर पानी अलग हो चुका है। अब हम बर्तन का ऊपर एक जाली रख देंगे, इसका ऊपर एक कॉटन कपड़ा रख देंगे। ये छन्ना इसमें डाल देंगे। ये छन्ना के ऊपर थोड़ा सा पानी डाल लेंगे ताकि विनेगर का जो खट्टापन वो निकल जाए। इसको अच्छा से निचोड़ देंगे। और छन्ना को एक थाली में इस तरह रख देंगे और इसके ऊपर एक प्लेट रख देंगे और इसके ऊपर एक बर्तन में पानी रख देंगे ताकि इसका जो सारा पानी वो निकल जाए। ये देखिए 2 घंटा हो गया, पनीर ठंडा हो चुका है। अब हम इसको पीस पीस काट लेंगे। अब हम छन्ना मुड़की बनाएंगे। मैंने गैस पर एक कढ़ाई रख दिया, इसमें चीनी डाल देंगे और इसमें 2 गिलास पानी डाल देंगे। ये देखिए चीनी पिघल चुका है, पानी भी बॉयल हो चुका है। अब हम ये पनीर इसमें डाल देंगे। फ्लेम स्लो से मीडियम रखेंगे, बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। ये देखिए 15 मिनट हो चुका है। अब हम इसको पलट देंगे, धीरे से पलटेंगे नहीं तो टूट जाएगा। पनीर भी सॉफ्ट है। फ्लेम स्लो से मीडियम रखेंगे। ये देखिए 1/2 घंटा हो चुका है, चाशनी गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें 1/2 ग्लास पानी डाल देंगे। तो इसको बॉयल होने देंगे। मिनट्स हो चुका है। ये देखिए चाशनी गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें 1/2 ग्लास पानी डाल लेंगे, साइड में पानी डाल रहे हैं। पनीर को पलट देंगे। ये देखिए 1.5 घंटा हो गया है। इसमें मैंने और 1/2 ग्लास पानी डाला था, टोटल मैंने 3.5 ग्लास पानी डाला है छन्ना मुड़की में। तो ये देखिए कलर आ चुका है। अब हम इसको थोड़ी देर ऐसे बॉयल होने देंगे।
ये देखिए ये बॉयल होते हुए 1 घंटा 45 मिनट हो चुका है। अब हम इसको 10-15 मिनट बॉयल करेंगे। राइस में इलायची पाउडर डाल देंगे। ये देखिए टोटल 2 घंटा हो चुका है, छना मुड़की हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको प्लेट में निकाल देंगे, गैस ऑफ कर देंगे। ये देखिए छन्ना मुड़की तैयार हो चुका है। मैंने इसको एक प्लेट में सर्व कर दिया। आप इसी तरह छन्ना मुड़की घर पर बनाइए, खाइए। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। एक छन्ना मुड़की मैं तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया बना, जोशीला। आपको अगर ये छन्ना मुड़की अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए।